हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? यहाँ पे मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आप भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे जो मम्मी जो सुबह सुबह जो मार्केट गए और मार्केट से सामान लेकर आए, साथ ही साथ नारियल पानी भी लेकर आए थे, तो हम लोग ने यहाँ पे जो पी लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे दोपहर के टाइम पे मैं जो है मच्छी बना रही हूँ। ऐसे तो भाभी बनाने जा रहे थे तो पर मैं बोली कि मैं बनाती हूँ, तो यहाँ पे जो मैं भाभी के तरीके से जो मच्छी बना रही हूँ। और ऐसे मैं भी मच्छी बनाती हूँ, पर सबका तरीका अलग अलग रहता है। वैसे मैं मच्छी खाती नहीं हूँ, पर अगर कोई बोलता है तो मैं बना देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं मच्छी का सालन बना रही हूँ और बांगड़ा फिश है, तो मैंने फिश को जो अच्छे से फ्राई करके रख ली हूँ, आटे में लगा के फ्राई करी हूँ। और यहाँ पे जो मसाला भून रहा है, साथ ही साथ हल्दी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे और मसाला जो है भुनने के लिए रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं इडली का बैटर है जो हम लोग हमेशा जो तैयार करके रखते हैं। तो यहाँ पे जो गुलाम को उसको इडली खाना था, तो मैं यहाँ पे जो इसके लिए इडली बना रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सालन जो है भून रहा है। जब सालन अच्छे से भून जाएगा ना, तो इसमें जो है पानी डाल देंगे, और फिर पानी डालने के बाद जब इसमें बॉईल आ जाएगा, फिर इसे पकने देना है। तो जब बॉईल आ जाएगा ना, फिर इसमें जो है मच्छी डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखी ना आटा लगा के। तो कुछ लोग जो है कच्ची भी डालते हैं, तो आपके हिसाब से आपको जैसा अच्छी लगती है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। पर इस तरीके से फ्राई करके डालेंगे तो टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग इस तरीके से जो ज़रूर ट्राई करना और कमेंट्स करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं मच्छी का जो सालन रेडी हो गया है और इसमें कोरिएंडर डाल दिए। तो जब भी मच्छी का सालन बनाए ना, तो फौरन नहीं ढकना है इसको, थोड़ा सा 2-4 मिनट ठंडा होने देना है, फिर यहाँ पे ढकना है, तो मच्छी जो है ज़्यादा गल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मच्छी का सालन जो है ढक दिए। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं जैसे मच्छी नहीं खाती हूँ, तो यहाँ पे मैं रोटी अंडा जा रही हूँ बनाने के लिए। और रोटी मतलब पहले से बनी हुई थी, मम्मी ने यहाँ पे जो रोटी बना के रखे थे, तो यहाँ पे जो मैं अंडे को फ्राई कर लूँगी। और साथ ही साथ मैं अंडे के साथ में चीज़ डालती हूँ, तो चीज़ जो है काफ़ी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने जो है स्लाइस चीज़ डाली। तो इस तरीके से आप लोग खा के देखना और आप लोग कमेंट्स करना कि कैसा लगता है। तो यहाँ पे जो है मैंने खा ली थी, फिर उसके बाद हमजा और मैं यहाँ पे जो है ऐसी हम लोग यहाँ पे नज़ारे कर रहे थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हम लोग नज़ारे कर रहे थे। और फिर उसके बाद जो गौस का ट्यूशन का टाइम हो गया, फिर अभी जो है यहाँ पे गौस ट्यूशन जा रहा है। फिर गौस को मैंने जब ट्यूशन छोड़ दी, फिर उसके बाद मैं चले गई अपनी बहन के घर पे, और फिर वहाँ पे मैं 2 घंटा बैठी। फिर उसके बाद उसको ट्यूशन का लेने का टाइम हो गया, फिर मैं उसके बाद उसको ट्यूशन से आके ले ली। यहाँ पे जब मैं गौस को ट्यूशन से लेने जा रही थी ना, तो मैं अपनी बहन के घर पे जैसे गई थी, तो यहाँ से दूसरे रास्ते से जा रही थी। जैसे हर जगह कैसे कभी भी जाते हैं ना, तो 2-3 रास्ते रहते ही है। तो मेरी बहन के वहाँ से भी जो टीचर का घर आता है और हम लोग के वहाँ से भी घर आता है, तो मेरी बहन के वहाँ से जा रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ रास्ते में जो गार्डन आता है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गार्डन है। यहाँ पे सुबह में सब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी आते हैं और फिर शाम में भी यहाँ पे खुला रहता है। ये गार्डन बहुत अच्छा है, घूमने के लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी अच्छा है। तो देख सकते हैं, और यहाँ पे जो है ना जिम की जो रहती है ना, वो सब भी सामान है यहाँ पे। जैसे कि क्या बोलते हैं, मुझे इतना पता नहीं है, पर हाँ जैसे साइकिल वाइकल होती है ना जिम की टाइप की, तो वो है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा है, मतलब मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे। एक बार आप लोग आना। अच्छा बच्चा है। हेलो गाइस, छोटी छोटी बात बोल दी कि मिस यहाँ हाथ में चप्पल लेके जाता है, तो ये रोने लग गया अपने आप, जब भी मारे भी नहीं इसको। चलो चलो, हाँ चलो घर चलो। हाँ तुम तो इडली खाकर आए हो ना। तुम लोग भूखे, तुम लोग खाओ पियो जाओ, हम लोग जा रहे अपने घर। बाय। जा रहा है अपने घर। लग जाएगा। तो ट्यूशन से आते थे, काफी शाम हुई थी, तो यहाँ पे जो मम्मी जो चाय बना रहे थे और मैं यहाँ पे जो नारियल की चटनी बनाने जा रही थी भाई के लिए। तो मम्मी ने पहले से यहाँ पे जो इडली बना के रख लिए थे, फिर मैंने आके जो है
यहाँ पे चटनी बना ली। और आज खाना नहीं बनाना है क्योंकि खाना जो कल का चिकन का सालन रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी बहन के बच्चे लोग के लिए मैं यहाँ पे जो है कस्टर्ड बना रही हूँ। तो यहाँ पे दूध पहले गर्म करी और साथ में इसमें शक्कर डाल दी, और फिर जब एक बॉयल आ जाएगा ना तो कस्टर्ड जो पाउडर आता है ना, आधा पैकेट मैंने कस्टर्ड पाउडर पानी में घोल के रख ली, चाहे तो आप दूध में भी घोल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जब एक बॉयल आ जाएगा उसके बाद हम कस्टर्ड का जो लिक्विड है उसमें डाल देंगे, और फिर से चलाते हुए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट। फिर जब पक जाएगा ना तो इसे बंद कर देना है इसकी गैस की फ्लेम, फिर ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो भी केला सेब आपको जो भी डालना है इसमें आप डाल सकते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे जो केला डालूंगी क्योंकि मेरी जो बहन की बच्ची ना वो एक मतलब वो एक एबनॉर्मल है, तो उसको ना जो चबाने में जमता नहीं है, तो इसलिए हम लोग सेब नहीं डालेंगे। केला रहेगा तो नरम रहेगा तो आराम से वो खा लेगी, ठीक है। और फिर साथ में मैं वापस यहाँ पे दोबारा चटनी बना रही हूँ। नारियल की चटनी खत्म हो गई थी तो फिर मैं वापस दोबारा बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो ठंडा हो गया तो मैंने इसमें जो है कट करके केला डाल दी, तो फिर इसके बाद इसके फ्रिज में रख देंगे, फिर से आप कभी भी खा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मम्मी चावल चढ़ा रहे थे और सालन तो पहले का था, और यहाँ पे जो मैंने कपड़ा धो ली फिर उसके बाद मैंने रस्सी पे डाल दी, और यहाँ पे गुलाम गौस को फिर से रूह अफ़ज़ा चाहिए, और फिर से हम लोग का मस्ती टाइम यहाँ पे चालू हो गया। हमजा यहाँ पे जो है काफ़ी मस्ती कर रहा था। फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए याद से ड्रेस डिज़ाइनर खैर उनको। और फिर यहाँ पे रात थी तो यहाँ पे जो है मम्मी बर्तन धो रहे थे, फिर मम्मी का बर्तन धो के हो गया तो फिर मम्मी बोले चलो अभी डोसा खाते, मेरा बेटा भी बोला कि डोसा खाते, तो यहाँ पे मैं जो है डोसा बना रही थी। और मैंने आज यहाँ पे एक नया ट्राई करी, जो चिकन का कबाब का मसाला था ना वो मैंने इसमें डाली, जैसे आलू का डालते तो मेरे पास नहीं था तो मैंने चिकन का मसाला डाली, साथ ही साथ मैंने जो चीज़ डाली और यहाँ पे जो गार्लिक मस्का था, तो ऐसे नॉर्मल मस्का यूज़ करते हैं पर मस्का खत्म हो गया था तो गार्लिक मस्का पड़ा हुआ था, तो आज मैंने सब नया नया कुछ ना कुछ डाली और कफर काफ़ी टेस्टी बना था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। मम्मी को इतना अच्छा नहीं लगा था पर मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने तो बिना चटनी के खाई थी उसको। और यहाँ पे सादा डोसा मैं इन लोग के लिए बना रही हूँ, गौस के लिए और मम्मी के लिए। तो फिर हम लोग खाए सब लोग, फिर उसके बाद हम लोग सो गए।